हेलो फ्रेंड्स, आप करीना किचन रेसिपी में स्वागत है। आज मैंने आप लोगों के लिए हॉट एंड सॉर की रेसिपी लेके बनाया है। ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है, सर्दी में खाने में बहुत अच्छी लगती है। इसे गर्मा गर्म सूप पीने में, और हॉट और सॉर सूप सभी को पसंद आती है। जिसे सूप पीना पसंद नहीं है वो भी हॉट एंड सॉर सूप पीना पसंद करते हैं। तो इसे बनाना भी बहुत ही आसान है, झटपट बनके एकदम रेस्टोरेंट जैसी तैयार हो जाती है, और नॉर सूप के जैसी इस कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उससे अच्छी ही लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना हॉट एंड सॉर सूप को। तो देख लीजिए, मैंने हॉट एंड सॉर सूप बनाने के लिए मैंने किन किन चीज़ों को लिया है। बीन्स मैंने 2-3 बीन्स काटे हैं, शिमला मिर्च, कैबेज, गाजर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, अदरक 1 इंच टुकड़ा, लहसुन 4-5 कलियाँ। अब हम कढ़ाई चढ़ा के गैस पे थोड़ी सी रिफाइन ऑयल डाल रहे हैं, आप इसे बटर में भी बना सकते हैं। पहले हम लहसुन को डाल देंगे, अदरक, और इसे हम भून लेंगे हल्का, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। अब इसमें हरी मिर्च डालेंगे, गाजर, सभी सब्जियों को अब हम डाल देते हैं। आपको जो पसंद है उसमें और भी सब्जी आप डाल सकते हैं। सभी सब्जियों को डाल के हम इसे भून लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का ही हम इसे भूनेंगे। बस इसका रॉ फ्ले जो रॉ स्मेल जो आता है सब्जियों से वो निकल जाए, बस अभी इतने ही भूनना है। सब्जियां भून गई है तो देखिए 1 चम्मच रेड चिली सॉस इसमें हम डाल रहे हैं। एक चम्मच टमाटो केचप, और 1 ही चम्मच मैंने सोया सॉस डाला है। आप इसकी मात्रा को बढ़ा घटा सकते हैं जैसा आप पसंद करें। और थोड़ी सी विनीगर 1 चम्मच। ये हॉट एंड सॉर सूप है तो इसमें खट्टा मीठा दोनों फ्लेवर आता है, तीखा। और इसमें अब हम पानी डाल देंगे, जितना हमें सूप बनाना है। मुझे 4 कप सूप बनानी है तो मैंने 4 कप पानी पहले ही निकाल के रख लिया था भगोने में, और इसको हम डाल दिए हैं। इसमें अब हम 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर को घोले हैं, और कॉर्नफ्लोर को ठंडे पानी में हमें घोल लेना है जिससे लम्स ना पड़े, और हम इसे हम पकाएंगे। इस ये सूप को गाढ़ा करने में मदद करती है कॉर्नफ्लोर, और इससे रेस्टोरेंट जैसा स्वाद आता है, एकदम उसी की जैसी दिखती है। आप जो पैकेट वाले नॉर सूप पीते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको लगेगी ये सूप। देखिए सूप का कलर चेंज होने लगा है। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डालेंगे। थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और नमक, हम काला नमक डाल देंगे जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आए। काली मिर्च का पाउडर हम 1/4 चम्मच डालेंगे। देखिए सूप करीब करीब हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसे हम थोड़ी सी खोलने के बाद हम इसे बर्तन में निकाल लेते हैं। तो देखिए अब हम सूप बाउल में इसे निकाल लेते हैं। देखिए सूप हमारी कितनी टेस्टी बनके तैयार हो गई है। इसे बनाना कोई टेंशन नहीं है, फटाफट जब चाहे आपको बनाने का मन हो तो फटाफट आप बना सकते हैं इसे।
अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी दोस्तों तो इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा और एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे मैं कोई भी रेसिपी डालूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।